नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव न्यूज। मैं सुरभि आनंद, बॉलीवुड की खास खबरों के साथ। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद इस महीने की शुरुआत में बॉलीवुड स्टार सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को एक लेटर के जरिए जान से मारने की धमकी मिली थी। अभी वो मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि अब बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर को भी उनके आवास पर स्पेस पोस्ट के जरिए एक गुमनाम खत मिला है, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि स्वरा खान अपनी एक्टिंग के साथ ही सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय जाहिर करने के लिए मशहूर है। वह आए दिन अपने ट्वीट और राजनीतिक टिप्पणी को लेकर चर्चा में रहती है। वहीं वह कई बार अपने विचारों को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रॉल भी हो जाती है। हालांकि इन सारी बातों का उन पर कोई असर नहीं पड़ता, पर इन दिनों उनके पास एक उनकी ट्वीट के बाद से एक गुमनाम खत आया है, जिनमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। जिस खत में लिखा है कि आराम से अपनी फिल्म बना ले, नहीं तो जनाजे उठेंगे। इतना ही नहीं, लेटर में गालियों की भी भरमार है। आपको बता दें कि उदयपुर हत्याकांड पर किया गया यह ट्वीट था, जिसमें उन्होंने लिखा कि उदयपुर में बीजेपी की निलंबित नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर टेलर कन्हैया लाल की बिरहमी से हत्या पर उन्होंने काफी गुस्सा जाहिर किया और गुस्सा जाहिर करते हुए उन्होंने लिखा, घृणित और पूरी तरह से यह निंदनीय है। अपराधियों से कानून के अनुसार तुरंत और सख्ती से निपटा जाना चाहिए। जघन्य अपराध, अन्यायपूर्ण। जैसा कि अक्सर कहा जाता है, यदि आप अपने भगवान के नाम पर मारना चाहते हैं तो अपने आप से शुरू करें, बीमार राक्षस। इस तरह के ट्वीट उन्होंने उदयपुर हत्याकांड को लेकर लिखा। उसके बाद ही स्वरा भास्कर को इस तरह का खत मिला है। जी आपको बता दें कि इस खत के मिलने के बाद बरसोवा पुलिस स्टेशन में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। स्वरा भास्कर ने लेटर को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया, जिसके बाद यूजर्स का उन्हें सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे ही बॉलीवुड की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव न्यूज। धन्यवाद।